2006 में ही आकर के एक एक चीज को आकलन किया, देखा और उसी समय तय किया कि इस तरह से पार्क बनेगा। तो नीतीश कुमार अचानक इको पार्क पहुंच गए और इको पार्क का विजन लोगों को बताने लगे, कैसे उन्होंने इको पार्क बनाने का आइडिया इम्प्लीमेंट किया। अब लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं अक्षय आनंद और ये तस्वीरें पटना के इको पार्क की हैं। एक टफ शेड्यूल के बाद जब सीएम नीतीश कुमार वापस ANMR यानी कि सीएम आवास लौट रहे थे तो उन्होंने इको पार्क का चक्कर लगाया। इको पार्क में पहुंचे, मीडिया से बात करते हुए इको पार्क का विजन बताया और उसके बाद लोगों से भी मिले। काफ़ी उत्साहित नीतीश कुमार को देखकर ये लोग हुए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, नीतीश कुमार के साथ सेल्फी लेने का होड़ मच गया और इको पार्क के अलग अलग जगहों पर नीतीश कुमार घूम घूम कर वहाँ उन्होंने अधिकारियों से भी बात की, लोगों से भी बात की और इको पार्क का भ्रमण किया। उसके बाद नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनिए। 2006 में ही आकर के एक एक चीज को आकलन किया, देखा और उसी समय तय किया कि इस तरह से पार्क बनेगा। इसका पहले दो खंड और अब तो तीन खंड हो चुका है, आपको मालूम ही है। सब इंतजाम किया गया सारा, इसमें वृक्षारोपण और फिर पानी का है, जो पहले तो सिर्फ पानी निकलता था और कुछ नहीं था और ये बिल्कुल सेक्रेटेरिएट के पास। तो उसी समय हम लोगों ने ये तय किया कि इसका बनेगा और देखिए इसका नामकरण हमने किया राजधानी बाटी, इको पार्क के रूप में जाना जाता है। इको पार्क ही आप समझ रहे हैं कि कितना बढ़िया उसका है। इसी तरह से एक एक चीज विकसित हुआ है और अब कितनी संख्या में लोग आ रहे हैं। सच पूछिए तो पटना में अगर सबसे ज्यादा कहीं जाते हैं लोग तो इसी में आते हैं। सर मोर नहीं देखते हैं, मोर आपका एक था विजन पहले से। अरे मोर का तो है ही, वो भी है और मोर के लिए जितना ज्यादा हम लोगों ने कर दिया है उसके इंतजाम में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितनी संख्या बढ़नी चाहिए उस हिसाब से संख्या उसकी बढ़ी, लेकिन उसके लिए सब तरह का इंतजाम किया हुआ है। अब हम भी देखते हैं, हमारे यहाँ तो मेरे कैंपस में तो कम से कम 5-6 एक साथ रहता था, अब आजकल कभी कभी एक या दो आता है। तो नीतीश कुमार इस स्टॉर्म में बहुत ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हैं, फील्ड वर्क खूब हो रहा है। सुबह पुलिस मुख्यालय, उसके बाद अलग अलग हालात का जायजा भी लिया और आखिर में इको पार्क होते हुए वापस ANMR लौटे। आप लाइव बिहार के साथ बने रहे, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबा दें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। HS बिहार अब बन गया है लाइव बिहार।